हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे यहाँ पर कुछ स्पेशल बन रहा है। क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं किचन में। सामान दिखा दो, बताओ आप लोग देख रहे हो क्या। तो फिलहाल मैं आप लोगों को सामान दिखाऊंगी, आप लोग गेस करना कि क्या बन रहा है मेरे यहाँ पे। फिलहाल तो ये पत्ता गोभी रखे हुए हैं जो भी कटिंग किए जाएंगे, और ये मैंने लहसुन छील के रखा हुआ है, और ये गाजर और शिमला मिर्ची वो कटी हुई है, और ये टमाटर बॉईल करके रखे हुए हैं। और तो ये हस्बैंड है, छील रहे हैं उनको, गरम गरम है अभी। गाइस आप कर लो, फिर मैं पापा का ये देखो, पापा थक गए। पियो दोस्तों, पियो, मैं पियो, चलो मैं पीती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं बताती हूँ। चलो अब मैं नहीं पीऊंगी, अब पापा पिएंगे। अभी पापा को, पापा को भी पिलाना, पापा को भी पिलाना उसे। देख ही नहीं रहा है कहाँ पी रहा। ढोल दिया, ढोल दिया। अच्छा तो दोस्तों फिलहाल हम लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। देखो मेरी नव्या बहुत मतलब एक्सपर्ट हो गई है गेम खेलने में, है ना वो। दीदी क्या कर रही है? दीदी फोन देख रही है। दीदी क्या कर रही है? फोन। मेरी जानवी तो आराम से लेटी हुई है। भैया इसको तो बेटे बिठाए, साफ चाहिए। लहसुन छील लिए थे, लहसुन मैंने छील, जरा जरा से छिए थे, जरा से छिले थे मैंने छिले। दोस्तों आइस, आइस बात नहीं, अब नहीं, अब दूसरा गेम। तो फिलहाल तो है ना, अभी मेरी ना जानवी है ना लेटी हुई है। भैया मोमो खाना तो खा लिया उसने, मोमोज की तैयारी कर रही है कि पापा कब मोमोज देंगे बना के। क्यों हाँ जानवी? मेरी मशीन तो चल ही रही है, मैं घूम ही रहा राउंड यार। तो दोस्तों फिलहाल मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी तैयारी होने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। की चटनी जो क्या टमाटर से बनाई गई है, मोमोज के साथ खाई जाती है ये, और यह बनाई अभी, और ये बनाया की चटनी ये, और यह स्टफिंग बन गई है हमारी। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे मोमोज, तो वो भी आप लोग देखना। तो देखो गाइस मेरे हाथ के मोमोज ऐसे बने। आप लोग तो और अच्छे बनाते होंगे, लेकिन मुझसे तो ऐसे बन रहे हैं। बच्चे मांग रहे थे इसलिए तो को बनाना पड़ रहा है। अब आप देख लो दीदी चाचा रखे ताकि ज्यादा हो। आज तो नव्या को मोमोज मिल ही जाएंगे, है ना नव्या? आज आपने जिद कर ली तो बन ही गए, है ना? तो मेरी जान बेटा मोमोज खाने के लिए इतनी परेशान हो रही है कि वो बॉइल मोमोज खा रहे हैं, और नव्या है ना, नव्या क्या कर रही है, वीडियो परेशान कर रही है।
नव्या मोमोज खाना है? अरे खाना है क्या? चलो अब चलते हैं किचन में। मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है, तो दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मोमोज है ना, अभी बॉईल किए हुए हैं, बाकी कुछ बचे हैं तो इनको अभी करना है, भाप लेते हैं मतलब। और ये थोड़ा बहुत स्टफिंग बचा हुआ है तो ये सुबह पराठे में ले लेंगे हम लोग काम में। और फिलहाल मैंने अभी है ना बैंगन टमाटर की सब्जी बना ली है, क्योंकि अब तो खाना खाने का टाइम है तो फिर डबल से बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे, इसलिए हाथों हाथ मैंने ये सब्जी बना ली है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, ये मैंने आटा निकाल रखा है, बाजरे का आटा है ये, तो इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। तो अभी फिलहाल दोनों गैस बिजी है मेरे, तो दोनों गैस बिजी है तो ये फ्री हो जाएगा, कोई एक बर्तन निकल उतर जाएगा तो फिर मैं रोटी निकालूंगी, जब तक खाने का टाइम भी हो जाएगा। पापा भी अभी आए नहीं है तो अभी करते हैं, आगे की तैयारी भी अब चलती रहेगी। तो फिलहाल अभी तो हमारे यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। तो वो पूजा पाठ करेंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अपन इधर आ जाते हैं। तो ये मेरी नव्वू, आपको भूख लग रही है? पप्पी वाला खाना, फ्राई नहीं खाना, मोमोस खाना है, फ्राई फ्राई वाले खाना है ना, तो अच्छा वैसे तो आपको वैसे भी खिला देंगे और फ्राई भी खिला देंगे, ठीक है। और जानवी आपको कैसे खाना है? फ्राई फ्राई वाले। जानवी को तो फ्राई मोमोज ही पसंद है, तो ठीक है तैयारी करते हैं अब अपन अपनी। ना वो कैसे लग रहे आपको मोमोज? मस्त, वाह यार नव्या तो मजा आ रहा। तो 200 नव्या को तो है ना अच्छा लगा मोमोज। गरम है हाँ, आराम से खाना, भूख लग रही है बहुत देर से। जानवी ले लो। जानवी का मुंह तो ले ना, तुम भी ले लो, बन रहे ना, हो गए, बोलो मिल गया जानवी को। दादू भी आने वाले, फिर हम लोग भी सब खाएंगे साथ में। बताओ जल्दी से खा के कैसे लग रहे हैं? शादी में नव्या ने तो पास कर दिए। अच्छा पहले टेस्ट किया था है ना? हेमा राहुल को समझाते हुए बोलती है, तो राहुल तुम समझ क्यों नहीं रहे? चलो अच्छा लग रहा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार। तो दोस्तों हम लोगों की मेहनत कामयाब हुई, हम लोगों ने, और हस्बैंड की भी, सबसे ज्यादा तो हस्बैंड की मेहनत। देखो अभी भी फ्राई कर रहे हैं वो, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं मेरे हस्बैंड। ये फ्राई हो रहा है, अब क्या मुझे रोटी बनानी है, सब्जी तैयार हो गई है लेकिन अभी रोटी ये बाजरे की है तो एकदम फिर वो पता नहीं कैसी लगती, इसलिए गरम गरम खाओ तो ही अच्छी लगती, इसलिए मैं थोड़ा, इसलिए मैंने पापा आ जाए तब बनाऊंगी, बाकी हमारा पूरा सामान अभी ऐसे रखा हुआ है। अरे आपसे पूछ रही हूँ मैं, आपको बांध दिया, हमें प्यासे पंछियों के बारे में भी सोचना है। क्या आपको कैसा लगा था मोमोज? दादू से पूछो कैसा लगा था। मैं भी मेरी थाली लगा लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। मुझे लगता है कि सोचे ना हमें जगह जगह पर
एक बार ये फेवरेट है जानू। ए जानू तू खा रही थी ना? सही बात है, हमें भी सोसाइटी के बाहर देखती हूँ बदन में पानी रखना चाहिए ताकि रोड पर कुत्ते बिल्लियों को भी पानी मिल सके। वो सबको खाना खिला दिया, पापा और मैं खा रहे हैं तो खाते हैं कैसा टेस्ट आता है, तो मैं खाने के बाद बताऊंगी। सबने तो अच्छा बताया, मेरे खाने के बाद फाइनल होगा। मुझे बहुत अच्छे लगे, हस्बैंड बहुत अच्छे बनाते हैं, मेरे साथ में हेल्प करवा देती हूँ, तो काफी अच्छे लगे मुझे तो। और बाहर बारिश बहुत जोर से हो रही थी तो हम लोग बाहर खाना खाया, बर्तन वर्तन धो के बाहर आए, इतना सारा पानी भरा हुआ, जरा देखो तो हमारे घर के सामने इस तरह का खूब सारा पानी भरा हुआ है। अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो हमारे घर के बाहर का नज़ारा ऐसा है दोस्तों, तो पानी भर गया आज बहुत ज़्यादा। इतनी नदी भरी हुई है, बाप रे बाप, देखो इतना सारा पानी भरा हुआ दोस्तों। पानी रुक सा गया, जानवी पानी कहीं जा नहीं रहा है, ये तो आज यही खत्म होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू।